ओ ओ नारायण,
ओम हरि ओम स्वामी जी। जुड़ रहे हैं अभी कर रहे हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीव भयदां यज्ञान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां येन अक्षर समाम्नायो मुदिगम्यो महेश्वरा कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् ओम रील रिक ए ओम आई औच हयव रट लण यम गण नम झवय घड़द घड़दश जब गड़दश कप चट तट तौ कपयो स हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। एक तो बोर्ड पे हमने ये लिखा हुआ है, कुछ लोगों को हमने ये भेजा भी है व्हाट्सएप पे, ये दो तीन दिन पहले पाठ में आया था, दूसरे पाठ में आया था, तो वेदांत के पाठ में आया था कि तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिर् यस्य मतं प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सह पन्थाः। ये इसका यही अर्थ है कि तर्क तो जड़ ही है, अप्रतिष्ठित ही है, और श्रुति के भी भिन्न भिन्न श्रुतियां हैं, और एक भी ऋषि को क्या प्रमाण माने, वो एक दूसरे की बातें काट रहे हैं। वो ऋषि को प्रमाण मतलब उस तरह से कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक निर्णय निकालना चाहे तो कोई ऋषि कोई मत दे रहा है, कोई न्याय का कोई दे रहा है, कुछ दे रहा है, तो फिर शंका उत्पन्न हो जाती है। और धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो बड़ा ही जो है गंभीर है, गुहायाम महाजनो ये न गतः सपन्ता, महाजन जो हैं आप पुरुष जो हैं, जो आचार्य जन जो हैं, जो ठीक ठीक निर्णय निकालने वाले लोग हैं, क्योंकि उधर ऋषि आ गया फिर बाद में महाजन आ गया, तो ऋषियों में तो उनका नाम ले लिया गया जो अलग अलग मत को लेकर बैठे हैं, फिर महाजन उनको कहा गया जो सारे मतों का ठीक से समन्वय करके ठीक एक अर्थ निकाल देते हैं। बोले ऐसे जो जन होते हैं, ऐसे जो महाजन होते हैं, वो जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से चलना वही एक रास्ता है। ये वन पर्व में यक्ष, ये किसी ने प्रश्न खड़ा किया था इस वजह से हमें बताना पड़ा है। वन पर्व में यक्ष से प्रश्न किए जा रहे हैं, यक्ष प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर से, महाभारत में है, महाभारत में वन पर्व है, वन पर्व में ये 313वें अध्याय का 117वां श्लोक है। किसी ने श्लोक भी पूछा था कि ये कहाँ आया है, कैसे आया है, ये किसका है, तो ये वन महाभारत के 313 का 117वां है।
यहाँ पर ये आया है वन पर्व में महाभारत में, वो यक्ष प्रश्न कर रहे हैं बहुत सारे उनसे, तो यक्ष जब उनसे बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्न करने की स्थिति में तब उन्होंने पूछ लिया कि मुझे पंथ बताइए, कोई रास्ता बताइए, को पंथा। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर फिर जवाब देते, पूरा श्लोक है वो हमने भेजा है, फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं। तो जवाब देने के समय पे फिर ये उन्होंने उत्तर दिया है, तो ये वन पर्व में है, महाभारत भी पढ़ने जैसा है। तभी इसको पांचवा वेद कहते हैं, तो वेद के आसपास की जब संज्ञा दी जाती है किसी चीज को तो दमदार ही होती है। और फिर महाभारत में भीष्म पर्व से तो गीता निकली ही है, अनुशासन पर्व है, उसमें भी बहुत जीवन उपयोगी बातें हैं, जीवन को कैसे जिए। अनुशासन पर्व भी बड़ा सुंदर है महाभारत का। ये वन पर्व है, बाकी भीष्म पर्व से तो निकली ही है। तो इस तरह का किसी ने कुछ पूछा था, तो उसके पूछने के कारण हमने इसका संख्या दे दिया, उनको संख्या में डाउट हो रहा था, और कुछ उन्होंने एक और गड़बड़ भी कर ली थी लिखने में। कई बार श्लोक हमें याद तो होते हैं, लेकिन याद किए हुए को यदि हम लिख के ना देखें, या यदि उसको लिखा हुआ कहीं ना देखें, तो हमें ये गलती हो जाती है कि इसका अर्थ करने में अर्थ भी हम रट लेते हैं। लेकिन जो व्याकरण का व्यक्ति होता है, एक एक चीज जो पकड़ के वो चलने लगे, कौन पद है, कहाँ का पद है, उसमें यदि उसने कहीं लिखा हुआ उसको ना देखा हो ठीक से, तो वो कैसे अंदाजा लगाएगा। जैसे सुबह ही आज जिनने वो लिखा हुआ था, एक मुनि जी हैं, उन्होंने वो दूसरा किसी ने पूछा उनसे कि अरे ये बता दीजिए हमें, तो वो डायरी में लिख के उन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने डायरी में से उतार लिया। अब पता नहीं उन मुनि जी ने भी पहले कभी ये लिखा हुआ देखा या फिर महात्माओं से सुना और बस सीधा ही कर दिया, क्योंकि सुना हुआ एक बार लिखा हुआ देखने से पक्का भी हो जाता है, और ये पक्का हो जाता है कि ये पद यही है। नहीं तो गलती क्या होती है, वो गलती मुनि जी के जीवन में हुई, तो वहां से जब उन्होंने दूसरे को दिया वहां भी गलती चली गई। हमने तो सुबह बोला नहीं, क्योंकि समय फिर ज्यादा खपता है इन बातों में, सुबह के पाठ में हमने इसका चिंतन ज्यादा किया नहीं, लेकिन हमने देखा कि गड़बड़ कहाँ हो रही थी, गड़बड़ यहाँ थी महाराज। तर्क को उन्होंने क्या लिखा, तर्क को प्रतिष्ठा लिख दिया, अलग अलग दोनों को, क्योंकि वो सुना हुआ था उनका जी जी, उन्होंने कभी पढ़ा देखा नहीं ना लिखा हुआ, अभी तो शास्त्र से लिखा है, देख के लिखा है, तो अप्रतिष्ठा है। अब अर्थ ही उल्टा हो गया, अप्रतिष्ठा को यदि प्रतिष्ठा कह दोगे तो अर्थ उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया। तो उन्होंने क्या, तर्क को प्रतिष्ठा लिखा हुआ था। अब सुबह हमने तो इसलिए नहीं बोला, मैं कहा चलो, क्योंकि एक तो वैसे ही वो समय ज्यादा ले लेते हैं, फिर एक और छेड़ेंगे इसमें एक और ने, बाकी शुद्ध ये है जी जी, यहाँ शुद्ध, इसलिए हमें लिखना पड़ा है बोर्ड पे, क्योंकि आप लोगों को भी यदि हम सुना देते तो पता नहीं बात पक्की होती ना होती है। तर्क को आपकी प्रिय संधि भी हो रखी है इसमें, तो इसलिए आपको तो वैसे भी याद रहना चाहिए कौन से वाली संधि है, एक पदार्थ थी, तो ये है, इसे अब मिटा रहे हैं इसको। ना अभी जो सूत्र हमारे चल रहे थे, उन सूत्रों में हमारी जो चर्चा हुई थी अभी तक, वो हो गई थी हमारी, किस सूत्र तक हुई थी, हमारी हुई थी, आप फोन पे हैं, आपको आवाज आ रही है ना ठीक से, जी आ रही है, ठीक ठीक, हमारी चर्चा हुई थी अभी तक दूरात होते तक, तो दूरात दूते था, ये तो दूरात हुते चा है, दूरात दूते नहीं है, दूरात हुते है, इस बात की चर्चा अभी तक हुई थी। एक बार ये स्पीकर डिस्कनेक्ट हुआ है, तो फिर से कनेक्ट कर देते हैं, ये बेचारा एक बार डिस्कनेक्ट जरूर होके दिखाता है कि मैं कनेक्ट हुए हुए एक बार डिस्कनेक्ट जरूर होऊंगा, फिर मानना मेरी बात, मैं ठीक है भाई तेरी, ऐसा भी नहीं कि चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है। हाँ, तो दूरात धूते था तक, दूरात धूते की बात हम चल रही थी हमारी, तो उसमें एक बात आई थी निकल के कि यदि सम्यक बोधन हो, सम्यक बोधन का कोई दूर खड़ा हो, उसको सुनाई ना दे रहा हो, तो उसको बुलाना हो हमें, फिर सम्यक बोधन करके ही वो उस तक आवाज हमारी जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य बोला जाएगा और उसमें जिसको संबोधित किया गया है वह जो होगा
उसकी उस वाक्य की टी को बोला गया है इसमें कि उस वाक्य की टी को प्लुथ हो जाएगा। तो वाक्य की टी को प्लुथ होने का मतलब इसमें यही है कि उसमें जिसको संबोधन किया गया है उसकी टी को प्लुथ हो जाएगा। और इसमें ये बात फिर आई थी कि आगच्छ कृष्ण, अगर कहें आगच्छ कृष्ण, हम कृष्ण को बुला रहे हैं, तो उस स्थिति में इसमें कृष्ण की ही, कृष्ण में जो नकारोत्तर जो अकार है उसी की टी को यहां पर प्लुत होगा, आगच्छ की टी को नहीं होगा। और अगर आगे पीछे भी कर दिया जाए तो भी प्लुत नहीं होगा। जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको संबोधन किया जा रहा है, वह यदि अंत में होगा तो ही उसकी टी को प्लुत होगा। ऐसा भी नहीं है कि हमने दो बार कृष्ण कृष्ण कह के आगच्छ कह दिया तो संबोधन तो कृष्ण कृष्ण को कर दिया, पहले आ गया कृष्ण कृष्ण, तो उस स्थिति में भी नहीं होगा। माना हम इसको ऐसे कर दें, कृष्ण कृष्ण और फिर आगच्छ बोल दें, तो ये इस तरह से कहते हैं व्याकरण कि इस तरह भी यहां इसको नहीं होगा, यहां इसको नहीं होगा। यदि हम इसमें आगच्छ कृष्ण ही बोले, यानी संबोधन करने वाले को, जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको बाद में रखें, तो ही ये सूत्र जो है उस वाक्य की टी को प्लुत करेगा। और वाक्य की टी को प्लुत का मतलब है उस जिसको हमने बुलाया है उसी की टी को प्लुत करेगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, आगच्छ कृष्ण भी हो सकता है, या फिर कोई और आगच्छ राम भी हो सकता है, आगच्छ शिव भी हो सकता है, उस बात से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जिसको संबोधन किया गया है वह अंत में हो और उस संबोधन की टी को ही इसमें प्लुत होगा, ये मुख्य बात इसमें है। तो यहां तक हमने देखा था हमारे दूरा दूते च सूत्र में। इस तरह की स्थिति में फिर कुछ कार्य ही कराना चाहते हैं पाणिनि जी, कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या हो क्या नहीं हो, तो उसकी दृष्टि को रखते हुए, क्योंकि हमने प्लुत तो समझ ही लिया किस स्थिति में प्लुत होना चाहिए, उसके बाद क्या कार्य है उसके लिए दूसरा विधि सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला भी विधि सूत्र ही है दूराद हुते चा भी, क्योंकि विधान तो ये भी कर ही रहा है, प्लुत का विधान किया इसने, एक हर्ष वर्ण को, एक हर्ष को इसने प्लुत बनाया है, तो विधान तो इसमें भी हुआ है। लेकिन अगला सूत्र फिर कुछ और, इस विधान करने के बाद में भी इसके भी कुछ और विधान वो कर देगा इसकी मदद से, तो दूसरा सूत्र यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, ये दूसरा सूत्र प्रस्तुत हुआ है आगच्छ वाले की। अब यहाँ इसकी इसका कार्य आ जाएगा, जो हमने ये विधान किया है तो इसका बड़ा लाभ क्या उठाना है, क्योंकि सिर्फ प्लुत करके छोड़ना तो इनका कार्य है नहीं, कुछ और ये करना चाह रहे हैं, तो उस कुछ और करने को दृष्टि से ये ऐसा कुछ किया है इन्होंने, तो सूत्र को, पहले सूत्र को लिख देते हैं। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम, ये सूत्र जो है ये सूत्र भी बहुत स्पष्ट बोधन सा कर रहा है, मतलब वृत्ति में भी कोई व्यक्ति नहीं जाए तो भी इस सूत्र में ही एक अपने आप में एक ऐसा पदों का उपयोग है कि वो भी कुछ बोधन करते हैं। 6125 इसका क्रमांक है, और अगर स्पष्ट बोधन की बात करें तो कुछ प्लुत की बात कर रहा है, कुछ प्रगृह की बात कर रहा है, कम से कम प्लुत तो हम जान ही गए हैं कि प्लुत की किस, कौन से प्लुत की बात हो रही है, प्लुत संज्ञा तो हम जानते ही हैं। प्लुत संज्ञा किससे होती है, फोन पे आप हैं आप बताएंगे जी? प्लुत संज्ञा जो होती है, प्लुत
प्लुत संज्ञा वैसे किससे होती है? प्लुत प्लुत कौन सूत्र है अष्टाध्यायी में जो प्लुत संज्ञा करता है? उनका लोग ह्रस्व दीर्घ प्लुत है जी, ऐसा ही है। तो प्लुत प्रक्रिया ये जो है प्रथमा बहुवचन है, ये प्रग्रह है रामः ऐसे, तो वो बाद में उसका लोप हुआ है, बाद में अच्छी है तो उसकी वजह से उसका लोप हुआ है। अच्छी तो सप्तमी है, आप कितनी बार देख के आ चुके हैं नित्य मंगल। हमें देखो ये नित्यम पे हमने अव्यय लिख दिया, इसका एक सिद्धांत है हमारे दिमाग में वो बात रही इसलिए हमने लिखा। अब हम सत्यम है ना, सत्यम जी जी, अब वो उसमें कई बार बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो द्वितीय एकवचन है और हमारे दिमाग में बिल्कुल सत्यम आया और हमने लिख दिया, क्योंकि ये नित्यम को अव्यय भी बनाया जा सकता है, अव्यय भी हो सकता है, जिस तरह सत्यम भी द्वितीय एकवचन भी हो सकता है और अव्यय भी हो सकता है। तो व्याकरण का ऐसा खेल है कि यहाँ भी लोगों की खोपड़ी घूमती रहती है। उसमें आई थी एक दिन ये बात, सुनी थी क्या आपने? बोली थी एक बार उन्होंने, और मेरे दिमाग में उस दिन से वो बात बैठ गई, लगा खेल क्या किया हुआ उन्होंने। खैर, ये प्रथमा बहुवचन है प्लुत प्रगृह, और अची जो है सप्तमी एक वचन है, और नित्यम जो है द्वितीय एक वचन है। मतलब नित्य को अव्यय बना दिया ब्रह्म की तरह नित्यम, सत्य को अव्यय सत्यम ब्रह्म की तरह, उस तरह से वो एक अलग स्थिति है व्याकरण की, वो आगे पढ़ेंगे आप कैसे होता। तो इसमें ये आप देख लें, एक दो तीन तीन पद है, प्लुत प्रगृह एक पद है और अची एक पद है और नित्यम एक पद है, प्रथमा बहुवचन सप्तमी एक वचन और द्वितीया एक वचन। तो सूत्र की अवृत्ति देख लेते हैं। वैसे देखने से सामान्य तौर पर यदि कोई भी व्यक्ति अभी इतना तो ध्यान देने लग ही गया होगा, सप्तमी देख के तो अंदाजा हो ही जाता है कि ये पर में रहने वाला है, कुछ अच्छे इसके पर में रहने वाला है, इतनी बात तो आई गई समझ में। चलो वृत्ति की तरफ चलते हैं। एते अची, एते अची मतलब ये जो हैं, इनसे परे यदि अच हो, एते अची इनसे परे यदि अच हो, इनसे परे मतलब ये प्लुत से और प्रगृह से, इनकी बात हुई प्लुत से और प्रगृह से, इनसे परे यदि अच हो तो प्रकृत्याः प्रकृत्या स्युः, कहते हैं कि यदि इनसे परे अच आ जाए कुछ भी तो वो प्रकृति भाव में ही रहे, उसमें कोई संधि ना हो, उसका उदाहरण उठाया है। आगच्छे कृष्ण को ले लेते हैं, बहुत बार इतनी बार कल इसकी घिसाई हो चुकी है। एक वाक्य है ये आगच्छे कृष्ण, और इस वाक्य में आगच्छे कृष्ण में जब कृष्ण को बुलाया है, कहीं गाय चर रही है, ग्वाल बाले सब ढूंढ रहे हैं कहाँ गाय है, कृष्ण भी ढूंढ रहे हैं, फिर वो गाय मिल गई है तो वो आवाज लगा रहे हैं कि आगच्छे कृष्ण ऐसे, अत्र गोश्चरती यहाँ है, गाय यहाँ चर रही है, गाय यहाँ चरती है, इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं। तो आगच्छे कृष्ण अत्र गोश्चरती, तो आगच्छे कृष्ण में चूंकि संबोधन है कृष्ण में, तो प्लुत प्रगृह है अचि नित्यम सूत्र खैर बाद में आएगा, उसके पहले दूरा दूते यानी दूर का संबोधन सम्यक बोधन है, तो कृष्ण की टी को तो हमने कर दिया प्लुत, ये बन गया कृष्ण प्लुत। अब इससे पर में क्या आ गया, मानो यदि वो ग्वाल वाले ये बोलने लगे दूसरा एक की अत्र गोश्चरती, इसको एक ही वाक्य बना दे, वो अत्र गोश्चरती इसके बाद आ जाए, अत्र कृष्ण के बाद गोश्चरती, महाराज यहाँ कौन सी संधि प्राप्त है, लगाए कि नहीं लगाए वो तो अलग बात है, लेकिन संधि कौन सी प्राप्त है? एक पदांता दति, एक पदांता दति, अच्छा जी, ये चो ये वाया भी है, ये चो ये वाया भी है, सर्वत्र भाषा वो भी है, कृष्ण कृष्ण रत्र में पूछ रहे, सिर्फ सिर्फ हम इसमें पूछ रहे हैं। अभी देखो यहाँ आप कहीं भी हमें क्या करना होता है, ये देखना होता है, कुछ भी लिखाओ, कहीं भी कुछ भी लिखाओ,
जब हम संधि के सारे नियम पढ़ लेंगे, हमारी दृष्टि सिर्फ ये जानी चाहिए क्या कोई भी संधि का सूत्र यहाँ फिट हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, आगच्छ और प्रश्न के कामे, छा के आमे और का के कामे, कहीं कोई फिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब कृष्ण के नकार, कृष्ण में जो नकार है, नकार का जो आ है वो है प्लुत, और आगे है अत्र का आ, उसमें कोई संधि फिट होती है क्या? नहीं है। हाँ क्यों नहीं है? अभी तो तीन बता दी थी आपने। विचार करो आप एक बार। देखो ये है हमारे पास मुख्य चीज, आप गोश्चरती को तो छोड़ ही दें, वो तो बाद की बात है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये इतना सा पद है हमारे पास, इतने से दो पद हैं, एक पद ये है स्वतंत्र समझो आप इसको, एक पद ये है ऐसा मानो आप, एक अलग ये शब्द है, एक अलग ये शब्द है, कृष्ण अलग ये शब्द है, अत्र अलग ये शब्द है, इनमें कोई संधि है? इसको यदि ये कंफ्यूजन सा लग रहा हो, इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, यहां लिख दिया हमने चलो, क्योंकि सीख ही नहीं पाएंगे तो फायदा ही क्या, बस ये हमने प्लुत किया है और कुछ नहीं, और यहां पर अत्र रख दिया, हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है एक पद और ये है एक पद, इन दोनों के बीच में कोई संधि प्राप्त है क्या? प्राप्त है, लगाए ना लगाए वो अलग बात है, ये बताइए प्राप्त है क्या? आदगुणा है, आकस्वर्ण दीर्घ है, आदगुणा प्राप्त है, ठीक है आदगुणा आप कह रहे हैं, और दूसरी कौन सी कही आपने? अकस्वर्ण दीर्घ, अकस्वर्ण दीर्घ। देखो ये आप सही जगह पर अब पहुंचे, अब पहुंचे आप सही जगह पर, यहाँ पर अकस्वर्ण दीर्घ प्राप्त है और वहां हो जानी चाहिए, लेकिन सूत्र ने आके बाध कर दिया, किसका? अकस्वर्ण दीर्घ का। तो यहां ये लिख सकते हैं कि अकस्वर्ण दीर्घ की प्राप्त, ये प्राप्त है, लेकिन बाद किसने कर दिया? प्लुत प्रक्रिय अचि नित्यम। ये क्या कह रहा है कि यदि प्लुत आ जाए या प्रक्रिय आ जाए, उससे पर में या तो कोई प्लुत आ जाए या तो कोई प्रक्रिय आ जाए, तो एक कोई मिल गया, यानी प्लुत तो मिल गया हमें, प्लुत मिल गया, नहीं मिल गया, कृष्ण प्लुत हो गया, क्योंकि कृष्ण को प्लुत बनाने के लिए हमने पूर्व का सूत्र पढ़ लिया दूरा दूते चा, उससे ये प्लुत हो गया, तो प्लुत से परे यदि अच हो तो वो प्रकृति भाव से रहे। अगर ये सूत्र नहीं आता तो यहां पर जो है झट से संधि लग जाती और ये क्या बन जाता? ये बन जाता हमारा क्या रूप? ऐसे कृष्ण और आत्र, कृष्णात्र बन जाता, समझ रहे आप? यदि हमारा यहां पर नहीं ये होता तो ये यहां पर कृष्णात्र बन जाता, बात इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, ठीक है। अब ये जो सूत्र है हमारा, ये जो कार्य कर रहा है प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, ये कार्य जो कर रहा है अचि नित्यम एचि अति प्रकृतिया स्युः, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, एक ही ढंग से कार्य करा दिया। बाकी यदि आप इसमें ये देखना चाहें कि प्रकृति भाव नहीं हुआ, वो प्रकृति भाव नहीं हो रहा उस स्थिति में, यदि आप देखना चाहेंगे तो ये प्रकृति भाव अगर नहीं हुआ तो फिर तो संधि लगी जाएगी, लेकिन सूत्र क्या है? प्रकृति भाव कर रहा है, यदि सूत्र प्रकृति भाव ना करता तो सीधे सीधे हमारा ये जुड़ जाता और वो हो जाता। अब चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो फिर अगले सूत्र। हाँ जी जी जी, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। ये प्रकृति का क्या मतलब है? हाँ अभी आ रहा है अगले सूत्र में, अगले सूत्र में आ रहा है, सही प्रश्न है। आप लुत तो उठ गया, बोले प्रक्रिया रह गया, इसका क्या मतलब है ये तो बताओ। हाँ अगले सूत्र में आ रहा है, चिंता क्या है, आ रहा है अगले सूत्र में, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं, एक आध उदाहरण और लिख देते हैं बोर्ड पर, क्योंकि इसमें पुस्तक में इधर दिए हुए हैं, कुछ हमने नोट करके साइड में रख लेते हैं, हम तो देखने से अभ्यास हो जाता है और क्या। एक दो उदाहरण और लिख देते हैं, आंख जम जाती है फिर उस पर, सूत्र पर पक्की आंख जम जाती है। बस इसमें क्या करना है, और कुछ ले लो, भले आगच्छे हरे ले लो, ऐसा ना समझना कि कृष्ण में ही लगता है ये, हरे क्या है? हरि का संबोधन है, हरि का संबोधन का रूप होता है ना, अरे पहले देखा था हमने, किसमें देखा था? हरे विष्णु देखा था पीछे एक सूत्र में,
एक प्रधान तिथि भी तो देखा था, पूर्ण रूप हो जाता था जब दोनों संबोधन आए थे ना, हरे और विष्णु, हाँ संबोधन थे दोनों तो आए थे। ऐसी बस पुनरावृत्ति सी होती रहती है ना इन सब बातों से, तो सूत्र और पक्की हो जाती है बातें। तो इसमें कह दो कि भाई कृष्ण हरि आ जाओ और आओ यहां पर जो है आप खेल लो, यानी अत्र क्रीडेम, ये क्रीड धातु का है, विधिलिंग लकार में क्रीडेम बनता है, क्रीड धातु का विधिलिंग लकार में क्रीडेम बनता है। तो आगच्छ हरे अत्र क्रीडेम, तो इसमें भी वही बात है, हरि को संबोधन है हरे, तो पहले हमारा ये प्लुत हो जाएगा, किस सूत्र से हुआ प्लुत, ये प्लुत किस सूत्र से हुआ, नहीं अभी जो प्लुत किया हमने हरे में हरे, अभी जो प्लुत अभी तो किया, अभी जो सूत्र पढ़ा दुरा दुराधुते च, ये हुआ दुराद वाले से। ये प्लुत तक का कार्य तो इससे हो गया, और प्रकृति भाव जो रह गया हमारा वो रह गया इससे, प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम सूत्र से इससे। ये आप फेसबुक वालों के लिए लिख रहा हूं मैं स्पष्ट तौर पे, ताकि आप लोगों को अपनी कॉपी बनाने में दिक्कत ना हो। ये प्रकृति भाव जो हुआ ये हुआ हमारा इसी सूत्र से, प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम से। और यदि आपसे कोई पूछने लगे ये आप जो समझो प्लुत की प्लुत संज्ञा कौन सा करता है, तो वो अभी इन्होंने बता ही दिया है कि वो उकालोजर्षित प्लुत से होता है। तो आगच्छे कृष्ण ले लो, आगच्छे हरे ले लो, और भी बहुत सारे उदाहरण इसमें आप बना सकते हो, आगच्छे राम ले लो, या जरूरी नहीं है, कई बार लोग इस बात को रट के बैठ जाते हैं कि आगच्छे कहने से ही, इसलिए एक एक उदाहरण लिख देता हूं, क्योंकि लोग इसी बात को लेके बैठ जाते हैं विकल्प को, कि आगच्छे कहने से ही शायद जो है ठीक तरह से बुला रहे हैं हम किसी को, संबोधन हो रहा है। नहीं नहीं ऐसे भी कह सकते हो आप, कार्यम, दूर खड़ा है कोई बोल दिया कार्यम कुरु राम, कार्यम कुरु राम, ऐसे भी कह सकते हैं, वो भी प्लुत हो सकता है, कार्यम कुरु राम ऐसे कहकर उसके आगे फिर कुछ और बोल दो उसको, एश आगत, या कार्यम कुरु राम एश आगत, ऐसे कह सकते हैं, मतलब संबोधन होना चाहिए और वो संबोधन जो है सम्यक होना चाहिए, और उसमें जो है आप जो वो वाक्य देख के पता चलेगा, और वो ऐसे पता नहीं चलेगा, वो वाक्य देख के आइडिया होगा कि ये संबोधन है और कैसा संबोधन है। तो ये इस तरह से प्रकृति भाव संधि जो है हमारी, तो इसको प्रकृति भाव संधि भी कह देते हैं कई लोग, कि प्रकृति भाव संधि कौन सी है, तो इनसे समझ लेना चाहिए। और भी अभी आगे आ रही है, प्रकृति भाव संधि का ही अभी चल रहा है हमारा। तो आगे अब इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था कि ये प्रगृह हम किसे कहते हैं, तो प्रगृह की बात हम उठा लेते हैं। बाकी सूत्र में और कुछ है नहीं, दो सूत्रों का चमत्कार इसमें हुआ है, दुरा दूते से पहले हमने टी को प्लुत किया है, और टी आप भली भांति जान चुके हैं टी होता क्या है, और उसके बाद उसमें हमने ये स्पष्ट रूप से देखा है कि जिसको प्लुत हुआ है, यदि प्लुत से परे आपका कोई भी अच वर्ण भी आ जाए, अच कुछ आ जाए, तो उस स्थिति में वो प्रकृति भाव में रहेगा, अची नित्यम, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तीन को देख के लोग घबरा जाते हैं कौन सी संधि होगी इसमें, तो ये तीन से कोई मतलब नहीं है आपका, तीन का मतलब भी तो अवर्ण ही है, अवर्ण में तीनों आए थे ना, हर्ष भी आया था अवर्ण में, दीर्घ भी आया था अवर्ण में, और प्लुत भी आया था अवर्ण में, तो इसलिए तीन को देखने से घबराना नहीं चाहिए हमें कि ये तीन क्यों जुड़ गया आज में, तीन का मतलब अवर्ण ही है, वो अवर्ण से परे अच ही मिल रहा है उसको, और अवर्ण से परे अच मिलने पर और सवर्ण अच मिलने पर, अच भी को सामान्य अच थोड़ी मिला है, सवर्ण अच मिल गया है, तो वहां पर संधि लग सकती थी, तो उस कारण से वहां पर अका सवर्ण दीर्घ को बाद करके आगच्छे कृष्ण की बात कर रहे हैं हम, ये जो लिखा है इसकी बात नहीं कर रहे, आगच्छे कृष्ण में अका सवर्ण दीर्घ संधि लग सकती थी, लेकिन अका सवर्ण दीर्घ संधि को बाद करके प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम ने नित्य कार्य कर दिया। अगला उदाहरण हमने जो बोर्ड पर लिखा है वो लिखा है, अब जो फोन पे उनसे हम पूछने जा रहे हैं, आगच्छे हरे, और उसमें जो है हमने तीन लिख दिया, तीन का मतलब वो प्लुत है, आगच्छे हरे ये प्लुत है हरे, अत्र क्रीडेम यहां पर कौन सी संधि हो सकती थी यदि प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम ना आता, तो फोन वाले बता, और कोई नहीं हो सकती थी,
और नहीं हो सकती थी कोई, पहले तो यही लगेगा। अच्छा और कोई शब्द भी लग सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना? हम्म, नहीं बोल सकते इन पदांत दत्ति भी बोला जा सकता है ना। अब एचओ की बात क्यों करना उठाते हो, इन पदांत दत्ति की उठा लिया करो। चलो नजीक है। तो ये इस तरह से हमने जानबूझ के ही उदाहरण को पूछा, क्योंकि कई बार माइंड में फिट हो जाता है हर जगह कि अकसवर्ण दीर्घ में ही ऐसा होता है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं, सूत्र तो कोई भी लग सकता है। अब जैसे यही है, इसमें इसमें कौन सी संधि हो सकती है? कार्यम, अब कार्यम कुरु राम एश आगत, अब राम और एश आगत, अब यहां कौन सी लग सकती है? राम इसमें ये लग जाएगी, एंगी पर रूपम। और कुछ सोच लो, दो पद हैं, एक तो राम है, राम प्लूत वाला है, राम के सामने तीन लिखा है, प्लूत है, एश है, बस इतना सोचो, राम है और एश है। एश है, हाँ एश, एश हाँ, एश आप सब जानते हैं, फिर भी हम जानबूझ के पूछते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो विस्मृति हो जाती है ना, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे सूत्र खोपड़ी में प्रस्तुत हो जाएं, लेकिन कुछ सूत्र इतने छोटे मोटे इजी से होते हैं वो तो तुरंत प्रस्तुत होने ही चाहिए, फिर आगे जाके तो सारे सूत्र प्रस्तुत होने चाहिए। इसमें आठ गुणा भी लगेगा स्वामी जी। हाँ जी, क्या लगेगा? आठ गुणा। आठ गुणा आप क्यों लगाते हैं, जब आठ गुणा का पापा आ गया है वहां पर वृद्धि, तो फिर आठ गुणा आप लगाते क्यों है ये बताइए आप। आध गुणा लगाने की कोई बात ही नहीं है ना, जब आध गुणा का बाधक सूत्र है कि नहीं, तो वृद्धि होती है, मतलब ऐसा ध्यान जाना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा रोक लिया, सूत्र पे तो बढ़ जाते हैं हम, तो ऐसा ध्यान हो जाना चाहिए हमारा दिमाग हमारा। चलो फिर हम अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, इस सूत्र की ठीक घिसाई हो चुकी है। इदुदेद द्विवचनं प्रगृहम्। इदुदेद द्विवचनं प्रगृहम्। अच्छा, आप तब तक सब अपने दिमाग में सूत्र को ना तोड़ लें, आपसे पूछा जाएगा, फिर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप दिमाग में लिख लें, इसको तोड़ लें कि देखने से ये क्या क्या बातें कर रहा है सूत्र, तो ताकि आपको फिर समझने में इसको मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो ये है ना कि आप ही स्वयं सब कर दें, तभी वो चिंतन का आनंद है, क्योंकि आप कोई बिल्कुल प्रथम वार वाले भी नहीं है, और प्रथम वार वाला हो या द्वितीय वार वाला हो, आनंद तो तभी आता है कि जब हम आगे बढ़ें और साथ के साथ हमसे काम करना आता रहे। तो आप सभी तो इस तरह से तोड़ और पदों की थोड़ बोड़ आपने मचा ही ली होगी, तो आप फोन पे हैं तो आप ही बता दीजिए क्या पद टूटे, इसमें पद कितने बन रहे हैं, इसमें ईट बना, ऊट। हाँ जी, और बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ बिगड़ हो जाए। हाँ क्या बना, ईद उदेद कितने कितने पद बने इसमें? ईद उदेद में तीन बने। हाँ कौन कौन से? नहीं पहले सूत्र में बता दो, सूत्र में कितने पद हो सकते हैं? सूत्र में बिना पढ़े तो ये दो है। बिना पढ़े तो मतलब, बिना पढ़े का मतलब क्या है, पुस्तक में पढ़ना है? बिना ब्रेक के। नहीं नहीं, ईद उदेद एक है पद, ठीक है, प्रथमा का है एक वचन का, द्विवचनम भी प्रथमा एक वचन का है, और प्रगेहम भी प्रथमा एक वचन का है, तीनों उसमें प्रथमा एक वचन के तीन पद है, ठीक है, ये बात है। अब आप इदुदेद की जो बात कह रहे थे, अब कह दो वो बात,
क्या है विदुदेव के बारे में क्या कह रहे थे? मुझे कह रहे स्वामी, हाँ विदुदेव के बारे में आप कुछ बोल रहे थे ना, इसीलिए मैंने कहा अब बोलिए विदुदेव के बारे में। खाली पहले हमने सूत्र के बारे में बोला, अब आप खाली इसके बारे में बोलिए। जी विदुदेव ईत है, ऊत है और एक। अच्छा ईत है, ईद का मतलब ईद कह दो भले, ऊद कह दो जी, और ईद कह दो जी। अच्छा और ये जो ऊद है ये कौन से वाला है, दीर्घ है ईद कौन सा है, ये थोड़ा ये भी बोल के बता दें आप। दीर्घ इकार, दीर्घ इकार है और दीर्घ इकार, दीर्घ उकार, दीर्घ उकार और ईद, ईद ठीक है। तो वो तो ता और दा तो आप आगे पढ़ ही लेंगे किस सूत्र से होता है, जलाम जसवंत से, वो तो कोई बात नहीं। यानी ये ईत है और ऊत है और एद है, ईत ये तीन है इसमें, इस इदुदेद में तीन चीजें निकल के आई है, ईत निकल के आया है, ऊत निकल के आया है और एद निकल के आया है, ये तीन चीजें इसमें निकल के आई है। अच्छा अब इसमें सूत्र में जो हमारा क्रम है उसी क्रम से चलेंगे। क्रम क्या है कि वृत्ति इत्यादि पर हम ध्यान देते हैं कि वृत्ति कैसे इसकी हमारी काम कर रही है। तो वृत्ति कह रही है इदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृहम स्यात्। तो ये जो अंतम है ये तीनों के साथ जोड़ दो, ईत के साथ भी जोड़ दो, उत के साथ भी जोड़ दो और एत के साथ भी जोड़ दो। ये जो अंतम इन्होंने इसमें बोला है इदुदेद अंतम, ये तीनों के साथ जोड़ दो, अर्थात जब जोड़ देंगे तीनों के साथ तो क्या कहलाएगा कि ईदंत, अगर दा ही रखो आप तो ईदंत, उदंत, ये ता दा में मत आप कंफ्यूज हो जाना, कहीं ता करते हैं हम कहीं दा करते हैं, ये आपको बहुत बार बता चुके हैं, उसमें झगड़ा मत करना, जैसे पंगत में झगड़ा हो गया था ऐसा मत करना। ईदंत उदंत और एदंत ऐसे हो गया, यानी ईद उद एद से अब हम कह रहे हैं उनको ईदंत उदंत और एदंत। यानी कोई एक पद है जो ईदंत है जिसमें ई है अंत में, ई भी कैसा है, ये तपरकरण की तरह से है कुछ, है कि नहीं है, दीर्घी की बात हुई है, दीर्घु की बात हुई है और दीर्घ और हर्ष ए की बात हुई है, सॉरी दीर्घ ए की बात हुई है, तदंत विधि ये न विधि, बिल्कुल तदंत विधि आप तो जानते हैं, बिल्कुल तदंत विधि कहते हैं। तो ये अब तपरकरण जो उसमें हुआ है तो उसमें हमारा ये दीर्घ की बात हुई है, वो दीर्घु की बात हुई है और वो ए की बात हुई है, इस तरह से। तो आगे सूत्र क्या कह रहा है कि द्विवचनम, यदि इस तरह का कुछ हो, इदंत हो उदंत हो या एदंत हो, यानी बाद में दीर्घ ई हो, सरल शब्दों में बाद में दीर्घ ई हो और बाद में ऊ हो या बाद में ए हो उसके, तो ऐसी स्थिति में यदि वो, एक तो ये बात है और दूसरी बात है वो द्विवचन भी है, इदुदेदंतम मतलब इदंत हो उदंत हो या एदंत हो और बाद में और वो द्विवचन भी हो, वो जो हम लिखे वो द्विवचन भी हो, तो ऐसी स्थिति में उसको प्रगृह कहते हैं। उदाहरण लेंगे अभी समझ में आ जाएगा, ये तो बस पहले वृत्ति का एक अर्थ किया है, बाकी उदाहरण लेने से सूत्र खुल जाएगा। वृत्ति का अर्थ सिर्फ इतना मात्र कह रहा है कि यदि ईदंत उदंत और एदंत ये द्विवचन हो, ईदंत उदंत और ईदंत उदंत और एदंत द्विवचन हो तो वो प्रगृह संज्ञक होते हैं, अर्थात उनकी प्रगृह संज्ञा होती है, संज्ञा सूत्र है ये, क्योंकि संज्ञा कर रहा है। देखो कोई हमसे पूछ रहा था कि ये संज्ञा का सूत्र को हम समझेंगे कैसे, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कुछ वो ऐसे तरह का कोई नाम रख रहा है, तो संज्ञा नाम रख तो वो कह ही रहा है ना प्रगृहम स्यात् अर्थात प्रगृह हो जाए, तो धीरे धीरे आप पहचानने लगेंगे। तो अब हम ईदंत उदंत और एदंत के कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि किस किस को प्रगृह कह सकते हैं।
लूत किसको कह सकते हैं वो आप देख चुके, लूत क्या होता है कैसे होता है। अब आपको नई एक चीज बनाने बताने चले हैं, प्रक्रिया किसको कहते हैं। तो कहा है कि कोई भी ईदंत हो, कोई भी उदंत हो, कोई भी एदंत हो और हो वो द्विवचन का, ऐसी स्थिति में उसको प्रक्रिया हम कह देते हैं। आप सब लोगों ने हरि का रूप पढ़ा हुआ है, हरि के रूप में आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार होता है प्रथमा का और द्वितीय कुछ इस प्रकार होता है, सॉरी द्विवचन का जी। तो द्विवचन जो होता है, द्विवचन की कंडीशन मिल गई कि हमें नहीं मिल गई हरि में, मिल गई। और ईदंत में मिल गया कि नहीं मिल गया इसमें, तो इसका मतलब ये क्या हो गया। देखो दो बात मिली यहाँ पे, एक तो ये द्विवचन है और दूसरा ये जो है ईदंत भी है, ईदंत दीर्घी है कि नहीं है? है। तो ऐसा कहने से ये क्या हो गया फिर, प्रग्रह। इसको हम प्रक्रिया कहने लगेंगे क्योंकि ये द्विवचन भी है और ये ईदंत भी है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, उदंत का उदाहरण ले लेते हैं। तो उदंत के उदाहरण में आपने विष्णु का रूप देखा है, उसमें कुछ इस तरह का होता है। तो ये द्विवचन भी है हमारा और ये हमारा जो है उसके साथ साथ में उदंत भी है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, प्रक्रिया है। कोई भी हो इस प्रकार का, ये तो हमने ये उदाहरण पुस्तक में दिए, आप ये मत सोचना जो पुस्तक में उदाहरण दिए केवल वही हो सकते हैं। आपको सूत्र के सिद्धांत पर चलना है और सूत्र का सिद्धांत कहता है कोई भी आपके कहीं भी कोई भी रूप हो आपका, आप इतने सारे सुबंत पढ़ते हैं, इतने सारे सुबंत में आप देखते हैं, और यदि तिंगंत में भी हो यहां फिर बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये तो सुबंत में ही था तो तिंगंत में नहीं। आपको मिलना चाहिए, आपको मिले तो हमें बता दो। आप शर्त देखिए आप कि उन्होंने कहा कि द्विवचन हो, क्योंकि द्विवचन तो उसमें भी होता है ना, द्विवचन हो और ईदंत हो, द्विवचन हो और उदंत हो, बस एक एदंत का उदाहरण और रह गया, एदंत का और ले लो आप, उसमें फिर पूरा का पूरा हो जाएगा। गंगा का बनता है ना गंगे द्विवचन में, देखा होगा आपने तो खूब देखा होगा, गंगे माँ के आपके विशेष प्रेम भी है, विशेष कृपा भी है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे भी तो कह देते हैं लोग, कहते हैं जी, जी, जी। प्रोजेक्ट भी चलाते हैं इससे। तो ऐसे ये द्विवचन भी है और ये उदंत भी है, ओ सॉरी एदंत भी है, तो इसको भी प्रक्रिया कहेंगे। तो प्रक्रिया की बात हमें स्पष्ट हो गई कि प्रक्रिया हम कहते किसको हैं। प्रक्रिया कहते हैं हम द्विवचन हो और ईदंत हो, या तो उदंत हो या तो एदंत हो, तो प्रक्रिया हमारे समझ में आ गया। अब वो सूत्र में हम पहले ही हमारा आ चुका था प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम को यहां लगा के देख लो। इस सूत्र ने तो चलो हमें सिखाया, और ये सूत्र है तो संज्ञा सूत्र, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि किसका रूप कहां मिलता है, ये प्राय देखने को मिलता है। हालांकि इसमें संज्ञा की थी तो इसमें इन दोनों रूपों के देने की जरूरत नहीं थी, कहीं और दे देते, ऊपर कहीं दे देते, लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन वो समझने की बात है कि जो सूत्रकार जो या जो वृत्तिकार जो है उनके फ्लो से समझना पड़ता है। तो यहां तो इस सूत्र ने, ये संज्ञा सूत्र है और संज्ञा सूत्र में उसने हमें तीन को एदंत उदंत और इसके उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर दिया हमें। इसी तरह अब हम अगर देखेंगे कोई कि पूर्व का सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, उसमें हमने प्लुत के लिए रूप बनाया था, एक हमें प्लुत मिला था आगच्छ कृष्णा, एक प्रक्रिया के लिए रूप बना लेते हैं। तो प्रक्रिया के लिए कोई भी रूप ले लो आप, विष्णु जो हो कोई भी, विष्णु के बाद में आप कुछ भी ले लो, जो भी आप कहो, और कुछ भी ऐसा होना चाहिए जिसमें संधि हो सकती थी, लेकिन अब जो है वो संधि नहीं हो रही। तीन हमारे पास है प्रक्रिया संज्ञक, विष्णु है, हरि है और गंगे है। आप पुस्तक के हिसाब से चले तो इन्होंने क्या लिया, हरि हरि एतौ। अब देखो आप, देखने को तो यहां संधि लग रही है, और गंगे है, गंगे के बाद इन्होंने ले लिया गंगे अमु, और विष्णु विष्णु है तो विष्णु में भी इन्होंने ले लिया विष्णु इमऊ।
ये तीनों उन्होंने रूप ले लिए। अब इन तीनों में कोई ना कोई संधि प्राप्त है। विष्णु इमाऊ में भी संधि प्राप्त है, हरि एताऊ में भी संधि प्राप्त है, गंगे अमू में भी संधि प्राप्त है। हरि एताऊ मतलब हरि जो होते हैं ना, वो भगवान के लिए तो लोग हरि कहते ही हैं, लेकिन हरि के अर्थ अनेक होते हैं। उन अनेक अर्थों में एक हरि का अर्थ बंदर भी होता है, और हरि का एक अर्थ जो है उसी में घोड़ा भी होता है। तो हो सकता है वो घोड़े के लिए कह रहे हैं कि बंदर के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दो एताऊ जो है वो दो के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हो सकता है दो बंदर हो या दो घोड़े हो, उनके लिए ऐसा कह रहे हैं। तो ये आप इसमें ये मत समझना। विष्णु है ये इमाऊ, ये भी दो के लिए ही प्रयोग हो रहा है। विष्णु का अर्थ तो विष्णु ही है, कहीं विष्णु का अर्थ तो और नहीं, ऐसा और भी होगा। और गंगा है अमू है, तो ये गंगा है गंगे अमू, ये भी दो के लिए, ये दोनों दो के लिए है। इमाऊ भी दो होता है, एताऊ भी दो होता है, और अमू भी दो होता है, मतलब दो के लिए ये प्रयोग होते हैं, द्विवचन दो के लिए होंगे। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, इसमें विष्णु इमाऊ हरि एताऊ गंगे अमू, आप महाराज पहले आप बताएंगे महाराज, विष्णु इमाऊ में कौन सी संधि प्राप्त है? यहाँ इकोयन चाहिए, और हरि एताऊ में इकोयन चाहिए, इकोयन चाहिए, और यहाँ गंगे अमू में इचोयो या और भी कोई हो, और एक पदम तदति लग सकती है। लेकिन लेकिन इस सूत्र ने आकर किसने प्लुत प्रक्रिया है अच्छी नित्यम, जो हम पहले अभी पढ़ के आए हैं कि प्लुत के सामने आ जाए अच, या किसी प्रगृह के सामने अगर अच आ जाए, प्लुत के सामने आ जाए या किसी प्रगृह के सामने आ जाए, यानी आगे का पद उससे अच ऊपर में, तो जो है संधि प्रकृति भाव में ही रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उदाहरण इन्होंने दिए, तो प्लुत प्रक्रिया अची नित्यम सूत्र को इन्होंने दोनों कंडीशन में, यानी प्लुत की कंडीशन का उदाहरण आगच्छे कृष्ण अत्र गोचरती है, और प्रक्रिया का उदाहरण जो है हरि एताऊ विष्णु इमाऊ गंगे अमू, ये उदाहरण इसके हैं। तो इस तरह से ये इनके उदाहरण यहाँ आ गए। अच्छा ठीक है, अब अगला सूत्र लेके चलते हैं। अगला सूत्र है अदसोमात, अदसो मात, ये है एक एक बारह। ये अदस आप लोगों का सुना सुना ऐसा लगता होगा, और मात तो मां की पंचमी है, मात जो है भाई राम की पंचमी, रामात होती है कि नहीं, इस तरह से ये जो है पंचमी आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। तो ये पंचमी एक वचन है, और ये षष्ठी है, अगर सर्वनाम भी कहते हैं, ये तो सर्वनाम ही है, कहते नहीं है ही सर्वनाम, सर्वनाम वाला ही अदस है, और कोई है ही नहीं है, उसी की बात है और किसी की बात ही नहीं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये वृत्ति देख लेते हैं, अस्मात, अस्मात पर टिप्पणी भी है, चलो पहले वृत्ति पढ़ते हैं फिर टिप्पणी देखते हैं। अस्मात पराविदूतऊ प्रगृहऊ स्तः, अब टिप्पणी क्या कह रही है, तीन नंबर टिप्पणी इस पे है, अस्मात पर लघु सिद्धांत कौमुदी में ही 24 पेज पर ही नीचे जो फुटप्रिंट्स हैं उसमें फुटनोट्स कहते हैं ना टिप्पण को, फुटनोट्स, ये अदस संबंधिनो तीन नंबर जो टिप्पणी है, तीन नंबर टिप्पण, अदस संबंधिनो मकारादित्यर्थ, अदस संबंधिनो मकारादि इत्यर्थ। अब ये बात आपको समझ में आएगी कि ऐसी क्यों कहा, अदस संबंधिनो मकारादि इत्यर्थ, ये टिप्पणकार ने भी बहुत कृपा कर दी, नहीं तो लोगों को आज के जमाने में समझने में मुश्किल ही हो जाता कि अदस में कि अदस की किस बात से कह रहा है। अब अदस का जो रूप होता है, आप लोग इसका रूप चलाएंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में, अदस एक प्रातिपदिक है, सर्वनाम के लिए होता है, कहते हैं ना कोई दूर में कोई चीज हो तो उसके लिए अदस बोल देते हैं, तो ये इसके लिए जैसे ऐसे कहने लगे वह वाला जो बात कहने लगे हम, अदस अदस में बोल जाती है ना वह वाली बात, कि वह ऐसे दूर में कुछ है उसके लिए अदस,
तो उसके तीनों लिंगों के यदि रूप देखेंगे उसके हिसाब से सूत्र की व्यवस्था बैठेगी। पहले सूत्र का सामान्य अर्थ देख लें, अदस कोई शब्द हो। अब अदस शब्द का मतलब आ गया अदस के सारे रूप। खोपड़ी में अदस शब्द बोलते ही आपके दिमाग में आने चाहिए अदस के तीनों लिंगों के रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, आपकी खोपड़ी में एकदम सेट हो जाना चाहिए। अदस कोई शब्द हो, उस अदस शब्द से परे, अदस शब्द के मकार से परे, अदस शब्द के मकार से परे, यानी अदस जो शब्द है। अब देखने को तो कोई कहेगा ये अदस शब्द में तो कहां मकार आ गया जी। लो जी, आपने एक नई बात बता दी, अदस शब्द के मकार से परे इसमें मकार कहां है, तो उसका क्या मतलब है महाराज? वैसे भाई सूत्र की वृत्ति कह रही है कि अदस शब्द के मकार से परे, अदस शब्द के मकार से परे इत हो और उत हो तो वो प्रक्रिया संज्ञक हो। इत और उत, अदस शब्द के मकार से परे इत और उत प्रक्रिया संज्ञक हो। इत और उत कहां से निकल गया पहले तो हम वही बता देते हैं आपको। आप बता सकते हैं, आप फोन पे हैं? ये अस्मात् पराविदूतौ प्रग्रहौ स्तः, ये इतना लिखा था वृत्ति में, अस्मात् पराविदूतौ प्रग्रहौ स्तः, इतना वृत्ति में हमने पढ़ लिया। और अर्थ तो हमने पता नहीं गलती कर दिया क्या, शायद हमने अर्थ कर दिया अदस शब्द के मकार से परे इत उत ईत ऊत प्रग्रह संज्ञक हो। तो प्रग्रह स्तः तो चलो समझ में आ गया भाई, प्रग्रह स्तः का मतलब प्रग्रह संज्ञक। अस्मात् भी समझ में आ गया कि भाई ये अदस के लिए कुछ आई होगी बात निकल के। अब ये परे भी समझ में आ गया, ये ईत और ऊत कहां से निकल आया? ये कंधे में है ना स्वामी जी। जी वही तो सुनना चाह रहे हैं आपके मुख से, सुनाइए। अस्मात् परौ ईद ऊतौ प्रकृतियौ स्तः, तो ये कौन सी संधि होगी? पड़ी पढ़ाई सी, पद तोड़ेंगे, पद तोड़वाओ मुझे। अस्मात् परावी ऊतौ, अस्मात् टूट गया और क्या टूटा जी? अस्मात् परौ, परौ ईद ऊतौ, ईद ऊतौ, ऊतौ आ गया होगा समझ में जी। कहां से निकला है पराउ? ये पराउ में कौन सी संधि थी? ये बस यही बात थी पकड़ने की, और क्या थी। तो ये इस तरह से टूटा है इसमें से। तो अब इसका अर्थ समझ लीजिए आप, अस्मात् पराउ कितना उतौ। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अदस शब्द के मकार से परे ईत और ऊत प्रक्रिया संज्ञक हो। अस्मात् अदस शब्द के, क्योंकि अदस शब्द की बात हुई है, अस्मात् क्या है? अदस शब्द है। अदस शब्द के मकार से परे ईत और ऊत, ईत और ऊत प्रग्रह संज्ञक हो। यदि ईत हो या ऊत हो, दोनों ही जो है, दोनों ही शर्त में वो प्रग्रह संज्ञक होंगे। पहले प्रग्रह किसको बना के आए हैं? ऐसी स्थिति में जब कोई द्विवचन हो और इदंत उदंत और एदंत हो, उसको भी प्रग्रह कहते हैं। और एक और प्रग्रह नाम किसी और का रखने जा रहे हैं हम। आप ये मत समझना कि दो व्यक्तियों के नाम एक जैसे लोक में ही होते हैं, इससे पहले तो पाणी जी ने ही रख दिए। कोई कहेगा ना कि इसका नाम भी राम, इसका नाम भी राम, तो पाणी जी ने भी पहले भी प्रग्रह नाम रख के आ गए पीछे उस सूत्र में जी जी। और यहां भी प्रग्रह नाम ही रख रहे हैं, लेकिन दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, है कि नहीं? यहां पे क्या है, वहां पे तो क्या था, इदंत उदंत और एदंत उनका, और द्विवचन हो तो उनको प्रग्रह कहो। और यहां पे क्या कह रहे हैं कि यदि अदस शब्द के मकार से परे ईदंत हो और उदंत हो, उनको भी प्रग्रह ही कह देना, उनका नाम भी प्रग्रह ही मानना। अब लेकिन समस्या ये आ रही है कि अदस में तो मकार आता ही नहीं है। अदस में कहां मकार आया? ये रहा अदस शब्द, इसमें कहां मकार है? क्यों महाराज, फिर इसके मकार से परे कहां से आ गया? तो इसके बारे में क्या विचार है? फोन वाले बताओ, अदस में कहां मकार है? अदस लिखा है यहां तो मकार कहीं दिख नहीं रहा। में कह तो रहे हो आप बार बार अदस शब्द के मकार से परे, अदस शब्द के मकार से परे, 56 बार तो गुरुजी ने बोल दिया अदस शब्द के मकार से परे। अदस शब्द में तो आ दिख रहा है, दा दिख रहा है और सा दिख रहा है, मकार कहीं नहीं दिख रहा। अदस शब्द के मकार से परे की बात कहां से आगे? फिर अदस शब्द में जब मकार है ही नहीं, मां है ही नहीं, तो उसके मकार से परे ईत और उत तो मिलने वाला कहां है? तो क्या मतलब हुआ इस बात का? फिर शब्द के जब रूप चलेंगे तो उनमें आएगा, तो चला डालो रूप। जब आपने इतनी बात खोली थी, इसका मतलब यह है कि अदस प्रातिपदिक है और उसके जब रूप चलाएंगे उनमें मकार आ ही जाएगा। इससे सुंदर और क्या बात है जो आपने कही, तो चला दो रूप। चलो जी,
चला सकते हो, है कहीं रचना वचना अनुवाद रखी हो चाहे उसमें से टीप के बता दो, दिक्कत कुछ नहीं है, बता दे वही बहुत बड़ी बात है। आजकल तो ओपन बुक टेस्ट भी हो रहे हैं, चला सकते हो। नहीं वो हमने तो खोल भी कर दी ना कि आजकल ओपन बुक टेस्ट भी होते हैं। नहीं हम भी देख लेते हैं, यदि हमें भी कई बार याद नहीं रहता विस्मृति हो जाती है, ऐसी बात नहीं, हमें भी तो हम भी देख लेते हैं उसमें कोई ऐसी बात। प्रथमा पुल्लिंग में स्वामी, हाँ पुल्लिंग ही ले लेते हैं पहले, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बाद में ले लेंगे। द्विवचन में अमुम अमु अमून इसका तरीका है ना वही, आप थोड़ा इसका दिमाग लगाओ ना, आप इसका थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे मेरे पास मैसेज किसने आया, इस्लाम से हाँ अमुम अमून हाँ क्या बताया, अमुम अमुम अमु अमून हाँ बहुत बढ़िया, अमुम अमू अमुम अमु अमून अमून और कुछ अमुना अमुभ्याम अमो भी अमो अमी भी अमी, उसमें क्या है कि केवल दो जगह ही मिलेगा उकार और ईकार, जो केवल जो है ना प्रथमा और द्विवचन में मिलेगा, क्योंकि ये केवल किसकी बात कह रहे हैं, उत की और इत की तो बात कर रहे हैं, तो उत और इत इसके पूरे रूप में आप 21 के 21 चलाएंगे ना, तो पुरलिंग के अदस शब्द के, पुरलिंग के अदस शब्द के, नपुंसकलिंग के अदस शब्द के, स्त्रीलिंग के, तीनों चलाने पड़ेंगे। तो अभी हम अदस शब्द के पुरलिंग के चला रहे थे, तो अदस शब्द के जब हम पुरलिंग के रूप चलाएंगे तो उसमें केवल जो है आपको प्रथमा में और द्वितीय में ही उकार और ईकार मिलेगा, बाकी अंत में कहीं उकार और ईकार नहीं मिलेगा, इसलिए उनको देखने की कोई जरूरत नहीं है। रूप पूरा आप देखना चाहे देख लें, जिन लोगों के पास पुस्तक है उसमें देख लें, तो आपके देखने में प्राय आएगा कि पुल्लिंग में तो मिलेगा आपको प्रथमा के द्विवचन में और प्रथमा के बहुवचन में, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, और द्वितीय के केवल द्विवचन में आएगा पुल्लिंग में ही, और स्त्रीलिंग में कहां आएगा अदर शब्द में, प्रथमा के द्विवचन में और प्रथमा और द्वितीय के भी द्विवचन में, अमु अमु स्त्रीलिंग में ही बनेगा, यानी उसमें केवल उकार ही आ रहा है। और नपुंसकलिंग का रूप अगर आप देखें तो भी मकार अगर कहीं मिलेगा तो वो मकार में ईकार और उकार भी होना जरूरी है क्योंकि उसकी भी शर्त है, तो वो केवल मिलेगा आपको उसी तरह से जैसे स्त्रीलिंग में मिला, प्रथमा के द्विवचन में और द्वितीय के द्विवचन में। अर्थात पुरलिंग में हमें केवल ये मिले अमू, पुल्लिंग में ये मिले अमू और अमी, ये है पुरलिंग का रूप, हाँ पुल्लिंग वाला। स्त्रीलिंग में केवल हमें रूप जब चलाएंगे तो प्रथमा और द्वितीय में दोनों अमू अमू मिले, नपुंसकलिंग में जब रूप चलाएंगे तो भी हमें केवल अमू अमू मिले। यानी यदि आप देखो तो सभी में तो एक तो अमू हमें कॉमन मिल रहा है, सब में अमू मिल रहा है, और एक हमें अमी मिला, यानी हमने 21 21 21 तिकड़ी चला दी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में हमें जो रूप मिले अधसो मात सूत्र को फिट होने वाले, इसकी वृत्ति को फिट होने वाले, अस्मात पराउ इत और उत, इत और उत, तो इत वाला तो अमी हो गया, ये तो इत वाला हो गया आपका, और ये वाला हो गया आपका उत वाला। और आपको पता है यदि अदस शब्द के मकार से इत हो, मकार जो वो इत हो या उद हो, ईद हो, ईदंत हो या उदंत हो, मकार ईदंत हो या मकार उदंत हो, यहां मकार उदंत है और यहां मकार ईदंत है। यदि मकार अदस शब्द के भी, पहले उन्होंने सामान्य एक बात कह दी थी, उन्होंने सामान्य ये बात कह दी थी कि द्विवचन हो और द्विवचन के साथ साथ में ईदंत हो, उदंत हो, एदंत हो, वहां उन्होंने एक बड़ी बात कही थी, यानी
उसमें उनको ये नहीं कहा था कि किसी एक शब्द विशेष का, किसी शब्द विशेष को लेके नहीं कहा था, इदुदे द्विवचनम प्रक्रियम में कोई शब्द विशेष के लिए नहीं कहा था, लेकिन यहाँ एक विशेष शब्द के लिए भी लाके खड़ा कर दिया, और विशेष शब्द में एक शब्द विशेष ले लिया, लेकिन उसके उसके द्विवचन या तीन वचन चार वचन की शर्त को हटाकर यहां पर उन्होंने, देखो दोनों सूत्रों में किस तरह सिमिलैरिटी है, क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी होता है, इससे मस्तिष्क घूमता अच्छा रहता है। यहां पर उन्होंने द्विवचन तीन वचन की बात नहीं की, क्योंकि एक तो द्विवचन में मिल रहा है मुंह, लेकिन एक तो हमें बहुवचन में मिल रहा है, उन्होंने सीधे कह दिया अदस शब्द में कहीं भी मकार आ जाए, चाहे स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, कहीं भी, किसी भी वचन में, किसी भी उसमें, बस उसके मकार से पर में यदि ई हो या ऊ हो, यानी ईदंत हो या ऊदंत हो, तो दोनों ही शर्तों के अनुसार वो ईदंत और ऊदंत में दोनों में ही वह जो है प्रगृह कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। और प्रगृह करने का फल आप लोग जानते हैं क्या है, वो हम कल पूछ लेंगे, आप जानते ही हैं, आगे का आप अपने आप बना भी लेंगे, तो समय भी हो गया आपको, यह सूत्र भी पूरा हो गया, और करने वाले इसका रूप भी बना लेंगे, नहीं तो हम बनवाएंगे कल, चिंता की कोई बात नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम स्वामी। हरि ओम, नमो नमः। स्वामी जी, पुल्लिंग का जैसे स्त्रीलिंग का अमु अमु लिखा है जी, और पुल्लिंग का क्या आता है? ये है ना पुल्लिंग में अमु अमु, हाँ पुल्लिंग में भी जी, ये दो पुल्लिंग के रूप लिखे हमने, ये एक स्त्रीलिंग का, ये एक नपुंसकलिंग का। हाँ, पुल्लिंग का अमु अमु आता है। हाँ, अदस का ना पूरा वो रूप एक बार देख लेना, उससे क्या होगा कि पक्का हो जाएगा। हाँ, अदस का तीनों लिंगों में आप पुस्तक में जाके ना, आपके पास पुस्तक होगी ना रूपावली वाली, वो रूपचंद्री रूपचंद्रिका वगैरह जो भी पुस्तक आपके पास होगी, हाँ उसमें आप देख लेना।